हम लोग हमेशा कहीं पर मार्वल वर्सेस डीसी करते रहते हैं, उनके बीच में कहीं फाइट्स चलती हैं, काफी कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल कॉपी करते हैं और डीसी है डीसी कॉपी करता है, लाइक डेथस्ट्रोक, डेडपूल, ग्रैंडी, हल्क, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी जो कॉपीड नहीं है लेकिन देखने से लगता है कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस एक दूसरे कैरेक्टर्स से। तो आज ऐसे ही दो कैरेक्टर्स के बीच में लोग वर्सेस बैटल कराने वाले हैं एंड वो दो कैरेक्टर्स हैं स्वैम्प थिंग एंड मैन थिंग। तो इंट्रो छूटा जा रहा है, सो हेलो एवरीवन, द बिग एक्सप्लेन दिस साइड। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा वर्सेस बैटल का जो पहला कैरेक्टर है वो है मैन थिंग। मैन थिंग मार्वल से बिलोंग करता है, आई मीन एमसीयू से या मार्वल कॉमिक्स से। सो अब इसके कुछ पावर एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पोजेस करता है लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, एम्पैथिक सेंसेस, रीजनरेशन ऑफ साइज, मतलब उसकी साइज बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, काइंड ऑफ अ साइज मैनिपुलेशन है, केमिकल सीक्रेशन, टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स क्रिएट भी कर सकता है वो, एंड फियर एम्पावरमेंट। फियर एम्पावरमेंट वो फैक्टर है कि मतलब उसको देख के जो डरेगा वो तो खत्म होगा, जो नहीं डरेगा उसके टच से वो बर्न हो जाएगा, मतलब काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है इसके पास। प्लांट मैनिपुलेशन, क्योंकि ये स्वैम्प स्पीशीज से बिलोंग करता है तो ये प्लांट मैनिपुलेशन तो कर ही सकता है, अपने आसपास ब्रांचेस ग्रो कर सकता है, हाथ बड़े कर सकता है, एंड ऑल्सो इसकी पावर्स एंड रियलिटी गार्डियनशिप भी है इसके पास, मतलब ये रियलिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम मैन थिंग की फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें शो हुई थी इशू 1 सैवेज टेल्स में, जो कि मई 1971 में रिलीज हुई थी, एंड इसके बाद अपनी खुद की कॉमिक बुक भी आई थी एडवेंचर इनटू फियर। एंड जैसा हमें पता है स्वैम्प सीरीज से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे इसकी जो अपनी कॉमिक आई थी उसमें इसकी ओरिजिन को हम डिस्कस की थी, काफ़ी डिफरेंट ओरिजिन है इसके, लाइक एक डॉक्टर होता है या साइंटिस्ट कह लो जो कि एक सीरम बनाता है, वो खुद में इंजेक्ट कर लेते हैं टू सम सर्कमस्टांसेस, एंड उसके बाद वो एक जगह उसका एक्सीडेंट होता है जो कि दलदल टाइप की होती है, वहाँ पे जब वो गिरता है तो ड्यू टू रिएक्शन क्रिएट होता है मैन थिंग का, क्योंकि जो सीरम होता है एंड जो दलदल होता है उसकी चीज़ों के मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन का कुछ होता है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से क्रिएशन होती है मैन थिंग की। एंड उसके बाद तो वो स्वैम्प स्पीशीज से बिलोंग करने ही लगता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स उसके पास आ जाती है। अब जो हमारा वर्सेस बैटल का सेकंड कैरेक्टर है जो कि डीसी से बिलोंग करता है वो है स्वैम्प थिंग, काफ़ी सिमिलर नेम है ना मैन थिंग की तरह। चलो कोई बात नहीं, अब इसके कुछ पावर एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दोनों की पावर एबिलिटीज काफ़ी सिमिलर है। ये पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, प्लांट लाइक मैनिपुलेशन, इट मीन आसपास के अपने हर्ब्स प्लांट्स सबको वो कंट्रोल कर सकता है एंड उनसे जो चाहे वो करवा सकता है, ग्रोथ एक्सेलरेशन मतलब साइज मैनिपुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है, साइज बड़ा छोटा कर सकता है अपने इशूज के हिसाब से, एंड प्लांट फिजियोलॉजी तो प्रोसेस करते हैं क्योंकि वो स्वैम्प स्पीशीज से बिलोंग करता है, मतलब स्वैम्प एंड मॉन्स्टर एलिमेंटल स्पीशीज ये थोड़ा सा अलग है, डीसी ने करा काम है मार्वल के अगेंस्ट। एंड इसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो थी हाउस ऑफ सीक्रेट्स में इशू 92 में, जो कि जुलाई 1971 में रिलीज हुई थी, एंड इसको अपनी खुद की कॉमिक भी मिली थी पहले जो थी कवर ऑफ स्वैम्प इशू 9 जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो मैन थिंग था वो रिलीज हुआ था मई 1971 में और स्वैम्प थिंग आई थी 1971 जुलाई में, मतलब स्वैम्प थिंग बाद में, अभी से कह सकते हैं काइंड ऑफ अ कॉपीड है लेकिन इंस्पिरेशन मान सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी तो काफ़ी चलती है दोनों के बीच में कि ये कॉपीड है या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, तो कंक्लूजन के अंदर देखो दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी सिमिलर पावर्स पजस भी करते हैं, एंड अगर इनके बीच में डेथ बैटल का सीन तो हो नहीं सकता है तो नॉकआउट बैटल की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी ऐसी सेम स्पीशीज से बिलोंग करते थे, एक दूसरे को मतलब लियंडिक मार देना इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। नॉकआउट बैटल में अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे वन ऑन वन बैटल के अंदर दोनों सिमिलर पावर्स पजस करते हैं, फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, बट स्वैम्प थिंग के पास एक थोड़ा सा अपर है, जब वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीसी ने एक स्मार्ट मूव करा है, डीसी ने बता रखा है कि स्वैम्प थिंग एक एंजल है बट ड्यू टू सम बाउंडेशन उसकी पावर बॉन्डेड हो गई है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दूँ कि स्वैम्प थिंग अपना साइज ऑल्ट्रेशन इतना कर सकता है कि वो पूरे यूनिवर्स को कवर कर सके, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन मैन थिंग के बारे में ऐसी कोई बात बताई नहीं है। मैन थिंग भी साइज ऑल्ट्रेशन कर सकता है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा, लेकिन जितना स्वैम्प थिंग ने बता रखा है कि वो पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकता है उतना नहीं बता रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। एंड उसके बाद वो एक एंजल है, यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो मल्टीवर्सेस तक अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है, तो स्वैम्प थिंग को मतलब सस्टेन लेना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्वैम्प थिंग यार देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो आप लोग ऑफेंड मत होना, लेकिन ओपिनियन ओपिनियन की बात है यहाँ पे, बट स्वैम्प थिंग ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक एंजल है, पावर बाउंडेड है किसी रीजन की वजह से, लेकिन वो ज़्यादा पावर पोजेस करता तो है, और हम लोग नॉकआउट बैटल करा रहे हैं यहाँ पे, तो हम फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, तो फुल पोटेंशियल के अंदर स्वैम्प थिंग ज़्यादा पावरफुल है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।